अर्चना जी। हाँ जी। देखिए मोहल्ले के चकाचौंध। सुभान अल्लाह। आपके चंदू ने की है। अच्छा। हाँ जी। बच्चा यादव नहीं है? हाँ हाँ। उसके आज बच्चे का जन्मदिन है। ओ। हाँ जी। उसको दो जुड़वा, तीन तिड़वा और एक कड़वा हुआ है। एक मिनट, ये कड़वा क्या होता है यार? जो काटता है। और उसकी वाइफ ने तितली यादव, वो कहती बच्चे के जन्मदिन पर ना कवाली नाइट करानी है। अच्छा। मेरे माइंड में एक स्कीम आई। हाँ। कप्पू बनेगा कवाल और हम लूटेंगे बच्चा यादव का माल। लेकिन एक शर्त है, आपने बताना नहीं किसी को। नहीं यार। अरे समझती नहीं हो तुम यार। नहीं होगा ही नहीं। अरे ये मैंने बोला था। ओ हो हो। नहीं नहीं। अरे नहीं यार। अरे वाह। देखो यार, ये इंतजाम ठीक है, लेकिन अर्चना जी आप ही बताइए, छोटे से बच्चे के बर्थडे पे कवाली कौन रखता है? कवाली होगी कवाली ही होगी। अरे डीजे नाइट रखते हैं यार, तम्मा करते हैं। तो तम्मा के चक्कर में 12 बच्चों की अम्मा हो गई हूँ। क्या बच्चा, देखो जन्मदिन की मैंने पूरी तैयारी कर दी है, अब फटाफट से तुम 6 माले का केक मंगवा लो। 6 माले का? उस पे से कूद के जान देना है तुम्हें। फुटपाथ वाले को 6 माले का केक चाहिए। अब अगर बड़ा वाला कव्वाल नहीं आया ना, तो तुम्हारे कव्वाल के ताली के बीच में तुम्हारा चेहरा डाल देंगे, फिर पचक 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 होते रहना। देखो बच्चा, तुम तो ऐसे टेंशन ले रहे हो, ऐसे कव्वाल आएंगे, ऐसे कव्वालियां गाएंगे, तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे लोरियां नहीं कव्वालियां गा गा कर सुनाएंगे। हैं? लोरी की जगह कव्वाली सुनेंगे? कहीं तुमने दादी नानियों को पान खिला के कव्वाल तो नहीं बना दिया? आप अभी देख लो, तो जोरदार तालियों के बीच में स्वागत कीजिएगा कव्वाल उस्ताद जी खान साहब। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। सोचता हूँ क्या बात है सोचता हूँ, तक सोचोगे। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते। क्या खूब कहा है? अच्छा, क्या बात है? किसने क्या खूब कहा है? अर्चना जी के लिए। जेटी से आती थी जेटी वाले को पटाके। जेटी से आती थी जेटी वाले को पटाके, अब डायरेक्ट ऑटो में आती है उसको किराया पकड़ा के। और जेटी वाला इनको ऑटो में देख के क्या कहता है? क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात है। हाँ हाँ, आपके बच्चे का जन्मदिन है जिले लाल। कहाँ करनी है कवाली? चांद पे करनी। अरे यही करेंगे यार, इतना देखिए सजाया है मोहल्ला, यही करनी है कवाली। ऐसे तो किसी बुजुर्ग शायर ने कहा है। क्या? कि हर डाल पे पंछी सोता है। इतनी भी बड़ी बात नहीं, सुनो। हर डाल पे पंछी सोता है, सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। सजने को तो सुहागरात वाला कमरा भी सजा होता है। अगर वही कवाली सुनाएंगे तो सुहागरात कब मनाएंगे?
और अगर सुहागरात नहीं मनाएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? और अगर बच्चे नहीं आएंगे तो रिश्तेदार यही गाएंगे, कैसे क्या हो गए देख दे देख दे, कैसे क्या हो गए देख दे देख दे। वाह वाह उस्ताद जी, मजा ही आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्ताद मीडियम बेगम अली खान साहब। देख तो नर टाइप कर रहे हैं तो ये मादा टाइप का नाम क्यों रखा है आप? मैं बताता हूँ जी, एक्चुअली इनको बादशाह बहुत पसंद है और जब ये बादशाह को देखती है ना इनके अंदर की बेगम बाहर आ जाती है। ठीक कहा इन्होंने, बादशाह सलामत आइए ना, मेरी जान ले लीजिए। जी आपका चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमें। उफ, कैसी बातें करते हैं आप, आपकी धोती कितनी पतली है। तुमने तो कहा था कि बहुत फेमस है बेगम अली खान, नाम तो हमने कभी सुना नहीं। तो कैसे सुना होगा, पहले ये हंसराज हंस के नाम किससे मशहूर थे? हंसराज हंस है? नहीं नहीं, उनसे तो इनकी शक्ल मिलती नहीं है। इसीलिए तो हम दलेर मेहंदी हो गए। उनको भी हम जानते हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। मीका वो भी आए हुए हैं। गुरु रंधावा वो भी आ चुके हैं। हाय रे, बस सारे पंजाबी इधर आते हैं, कनाडा का वीजा लगा के देते हो क्या? देखिए आप अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप मशहूर हुए कैसे? हम पहले नेहा कक्कड़ हुआ करते थे। वो तो लेडीज है। आपको बताया ना कि इनके अंदर की बेगम जाग जाती हैं, तो उस दिन नेहा कक्कड़ जागे थी। फिर क्या, कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आ। हाय 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 राजा, हाय हाय राजा, ओए ओए राजा, ओए ओए राजा। ओए तितली क्या नाचे जा रही हो? पति यहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम राजा को बुला रही हो, वो भी कुंडी बिना खड़काए। कम से कम कुंडी तो खड़कवाओ। तकल्लुफ ना करें नवाज साहब, हम आपको ऐसे गीत सुनाएंगे कि आप बिना ईद के हमारे गले लग जाएंगे। पहले आप सच सच बताइए, किसी और के साथ कभी कवाली कोई की है आपने? बहुत बार की है नवाब साहब, कभी पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए? पकड़े नहीं गए? हाँ जी, बाग बाग के कवाली करते ना, ऐसे ऐसे करके पकड़े नहीं जाते। उफ, आपका तो कुर्ता भी कितना पतला है। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है, हमें भी। वरना ये बता क्यों नहीं रहे कि किसके साथ कवाली की है दीदी? ऐसे कैसी बात कर रही हैं मोटी आपा? हमारी एक बहुत ही मशहूर कवाली, हो सकता आपने सुनी हो। कौन सी? ये क्वाली क्वाली आंखें, ये गोरे गोरे बाल, ये क्वाली क्वाली आंखें, ये गोरे गोरे बाल। सुनी हुई लग रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उस्ताद जी ने माइकल जैक्सन के साथ भी कवाली की हुई है। हाँ जी, माइकल जैक्सन ने कब कवाली की? एक्चुअली माइकल जैक्सन साहब ने कवाली ट्राई की थी जिलेलाही, तो वहीं से पता दीजिए ना, ऐसा क्या है? उनसे हुई नहीं, हमने कवाली शुरू की, वो ऐसे ऐसे चलने लगे कि हमसे ना होगी। ऐसे ऐसे चल नहीं रहे, वो मून वॉक होता है उनका फेमस स्टेप है वो, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कोई कवाल है। चंदू क्या बात कर रहे हैं जिलेलाही, आपको ये कमर की लचक नहीं दिखाई देती है क्या? जिले लाही, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कवाली का आगाज करूं। एक मिनट उस्ताद जी, अगर आपको गीली कवाली करने का मूड हो रहा तो मैं अंदर से डायपर मंगवा दूं। ये हमारी कवाली का हुक स्टेप है मोटी आपा, आप नहीं समझेंगी। दीदी पहले गिफ्ट लो। अरे गिफ्ट आया है। कितनी प्यारी है यार, एकदम मेरी बहन। क्या गिफ्ट लाई है मैं देखती हूँ। दीदी ऐसे सबके सामने नहीं गिफ्ट खोलते। हमें नहीं खोलते, तू तो घर की है। सही फरमाया आपने। ये देखो, शेविंग किट।
हमारे एक साल के बच्चे के लिए तुम सेविंग किट लाइए। हाँ जीजू, आप ही तो बोलते कि आजकल बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। अब क्या पता आपके बच्चे के भी एक दो महीने में दाढ़ी निकल आए। यार इतने सालों से इस लड़की को जरा भी अक्कल नहीं आई, छोटे बच्चे की कोई दाढ़ी निकलती है? हाँ एकदम तेरा ना बकवास गिफ्ट है। अरे दीदी गिफ्ट तो मैं खुद हूँ, आपके बच्चे के बर्थडे पे आज मैं जादू करके दिखाऊंगी। बुरी, तुम्हारा जादू तो पहले मेरे सर पर चढ़ा हुआ है। तुम्हारे सर पे जो चढ़ा है वो जादू नहीं, जुए। ये ठीक है। और दीदी इतनी शुभ अवसर पे इस अशुभ इंसान को क्यों बुलाया है? बुलाया मतलब ये सारी पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है। हाँ और जो जो कवाली वाले उस्ताद जी ना वो मैं लेकर आया हूँ इधर। ये और उस्ताद? यू ऐसे लोग तो बसों में चूड़न बेचते हैं। ये और साली, यू ऐसे लोग उन्हीं बसों में से चूड़न लेके खरीद के खा जाते हैं। आह की आवाज भी आती है। आइए ना नवाब साहब, हमारे साथ नाचिए ना। एक्सक्यूज मी, आप मेरे जीजू को नवाब क्यों बोल रहे हैं? जिल्ले लाए, ये तो हम अपने सलीके की वजह से हाथ बंधे हुए, वरना हम तो इनको क्या क्या बुलाते। ओ मेरा दिल था अकेला, तूने कैसा खेला, तेरी याद में जागूं रात भर, बाजीगर मैं मस्ती कर, बाजीगर 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 बाजीगर, दिल वाले कम बाजीगर। क्या बात है, क्या बात है? ए पागल है सपना तू, आज यार की शादी नहीं, आज मेरे बच्चों का जन्मदिन है। नहीं नहीं, मेरे यार की शादी थी ना, मैं उधर जा नहीं पाई, तो मैंने सोचा मेरा डांस वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने इधर आके कर दिया ये। एनीवे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, सिलेंडर क्यों लाई हो साथ में? अरे तो तुम्हारे बच्चे के लिए गिफ्ट है। सिलेंडर? हाँ शेविंग किट। हमारे बच्चे का बर्थडे है, बाल नहीं आई है कि सारा रिलीफ फंड इधर ही आ रहा है। बुरा ना मानेगा जिले लाही, हम गैस प्लांट जैसी औरत है, सिलेंडर ही तो गिफ्ट करेगी और क्या कर सकती है। हाँ। ये बात भी सही है। मैंने कुछ बोला मैं बच्चे की मौसी है, मौसी। अच्छा ए, इसका भी बड़ा अपना ही चल रहा है इधर। जहाँ अपना फायदा देखती है उधर रिश्ता बना लेती है, कभी किसी का भांजा बन जाती है, कभी किसी की मौसी बन जाती है, कभी किसी की दीदी बन जाती है। मैं तो फिर भी रिश्ते बनाती तेरे जैसे नहीं, इसको तो इसके घर वाले ना करते, इसका खुद का सगा बाप बाहर जाते ना इसके साथ, बोलता है मेरी फूफी का लड़का है। ओ जेसीबी मशीन से बड़ी औरत, जेसीबी। मैं जेसीबी है ना, मैं बहुत अच्छी है, बता रही है तेरे को। यहाँ ना खुदाई करके तेरे को अब बीच गाड़ देगी, बता रही है। मैं तितली भाभी बताए लोग को, मैं बच्चे की मौसी है। हेलो, तुम्हारे जैसे ना मौत के कुएं होते हैं, मौसी नहीं, मौसी मैं हूँ ओरिजिनल। देख तू मोमबत्ती जैसी मौसी, अभी फूंक मारेगी ना बुझ जाएगी इधर, बड़ी आई। खबरदार, अगर मेरे बच्चे के जन्मदिन वाले दिन तुम्हें उन्हें से क्लेश डाला तो। अरे कपाल साहब आप क्या कर रहे हैं, औरतों का झगड़ा देखने आए हैं आप? उफ, औरतों का झगड़ा देखने में बड़ा मजा आता है जलीला ही। हमारे यहाँ तो कोई झगड़ा ना हो तो मैं इन दोनों छिलेरियों को आपस में लड़वा देती हूँ। हमारे इधर जूड़ा कुटाई बहुत फेमस है जलीला ही। आप कवाली शुरू करो ना। नाराज क्यों होती है मोटी आपा, चलिए कवाली शुरू करते हैं। हाँ कीजिए। आइए ना जहाँ अपना, हमारे बगल में बैठ के कवाली का लुत्फ लीजिए।